सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय संध्या चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या डॉट कॉम में। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्जी प्याज के छल्लों के साथ। एक बार हम देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अरबी की सब्जी बनाने के लिए। अरबी लिया है मैंने आधा किलो, प्याज दो लिया है मीडियम साइज का, जिसको छील के धो के मैंने प्याज गोल स्लाइस में कट करके इसके छल्ले अलग अलग कर दिए। मैंने दो टमाटर लिया है मीडियम साइज का, इसको भी मैंने कट कर लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। धनिया पत्ता लिया है दो चम्मच, बारीक कट कर लिया है। अमचूर लिया है आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन है, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, दो हरी मिर्च लिए हैं जिसको लंबाई में कट कर लिया है मैंने, एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लिया है मैंने, और आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और ऑयल ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अरबी को उबालना है। कुकर में अरबी को डाल लेंगे। जब ये अरबी मैं खरीद के लाई थी मार्केट से तो बिल्कुल मिट्टी में सना हुआ था, इसको अच्छे से पहले मैंने वॉश किया है। एक गिलास पानी डाल लेंगे। एक छोटा चम्मच नमक डाल लेंगे। एक सीटी आने तक इसे हमें पकाना है। गैस ऑन कर लेंगे, कुकर को चढ़ा देंगे। दो मिनट हो चुका है, गैस को ऑफ कर लेंगे। कुकर को एक साइड में रख लेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, खुद से इसका पूरा भाप निकल जाएगा, फिर इसको खोलेंगे। कुकर का भाप बिल्कुल निकल चुका है, कुकर को खोल लेंगे। एक बाउल में पानी लेकर इसे ठंडे पानी में रख लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अरबी को हमें बहुत ज़्यादा गीला और नहीं उबालना था, इसलिए बस एक सीटी लगाए इसमें। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसके छिलके उतार लेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर छीलेंगे इसको। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसके छिलके उतार के एक साइड में रख लेंगे। ऐसे ही करते हुए सारे छिलके हटा देने हैं। अरबी के छिलके हटा लिए हैं मैंने, अब अरबी को ऐसे बीच से दो दो पीस कर लेंगे। अगर कोई पीस बड़ा है तो इसको बीच से कट कर लेंगे, और ऐसे सारे अरबी को ऐसे बीच से दो दो पीसेस कर लेंगे। अगर कच्चे अरबी को आप छीलते हैं तो उससे पहले आप अपने हाथ में सरसों का ऑयल लगा लें या नींबू रगड़ लें, नहीं तो कई अरबी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाथों को काटती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है। गैस ऑन करके कढ़ाई या पैन चढ़ा लेंगे गर्म होने के लिए। पैन गरम हो चुका है, इसमें ऑयल डाल लेंगे। मैंने सरसों ऑयल यूज़ किया है, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें थोड़े से अरबी के पीसेस डाल लेंगे। एक बार में सारे नहीं डालेंगे, चार पांच पीस डाल लेंगे अच्छे से। जितना आसानी से आ पाएगा उतने पीसेस डाल लेते हैं। इसको अच्छे से हमें तलना है, पर भी अच्छे से तल गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है बिल्कुल, इसको निकाल लेंगे।
इसको निकाल के प्लेट में रख लेंगे। ऐसे ही करते हुए सारे अरबी को फ्राई कर लेंगे। सारे अरबी को मैंने फ्राई कर लिया है, इसको निकाल के प्लेट में रख लेंगे। इसको साइड में रख लेंगे और दूसरा कोई साफ कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, जीरा डाल लेंगे, साथ में अजवाइन डाल लेंगे, थोड़ा सा इसको पकने देंगे। गोल्डन कलर का हो चुका है, इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। गैस को मैंने स्लो कर रखा है अभी, आप अपनी सुविधा से हाई पे भी रख सकते हैं। प्याज हल्का भून चुका है, इसमें अदरक डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को थोड़ा सा तेज कर लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन होने लग गया है, इसमें टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। हल्दी डाल लेंगे, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, अमचूर भी डाल लेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि नमक हमने अरबी उबालते टाइम भी डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। तो अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक। 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल लेंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक, इसको पका लेंगे। अब तली हुई अरबी भी डाल लेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे, आधा धनिया डाल लेंगे हरा धनिया, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑफ कर लेंगे। प्याज के छल्ले वाली अरबी की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। काफ़ी टेस्टी बना है ये। ऊपर से हरे धनिए से थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेंगे। और आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।